हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो आज तक आप लोगों ने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, और आज इस वीडियो में आप लोग एक ऐसा चीज़ सीखने जा रहे हो जो कि बिल्कुल आपके लिए नया होगा। फ्रेंड्स, आज तक मतलब मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ, ये ट्रिक मैंने सेल्फ डेवलप किया है, खुद से डेवलप किया है, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप अगर यूट्यूब पर पढ़ते हो, यूट्यूब पर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल सकता है, आप लोग खोज के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल ना लगे तो वीडियो को लाइक मत करना, डिसलाइक करके जाना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो वीडियो को लाइक करके जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। इस फिगर में ये एक स्क्वायर है ABCD और इसका साइड 14 सेंटीमीटर है, और इस फिगर में ये जो शेडेड पार्ट आपको रेड कलर से दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करने में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा? अगर आप इस चैनल पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स में हम लोग इस फिगर में शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज से पहले इस फिगर का एरिया हम लोग किस तरह फाइंड करते थे? इस तरह से, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर, और इसमें से घटाते थे क्या, 2 × सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, ये दोनों सेमी सर्किल है, तो ये दोनों सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, यानी साइड स्क्वायर, यानी स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्किल के एरिया को घटा देते थे, तो दोनों सेमी सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, दोनों सेमी सर्किल मिलके एक सर्किल हो जाता है, तो सर्किल का एरिया घटाते थे, ये आज से पहले। लेकिन अभी ये ट्रिक मैं बताऊंगा, जैसे ही उसके बाद आप भी 15 सेकंड्स के अंदर इस तरह के किसी भी फिगर में शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये रहा आपके सामने ट्रिक, साइड स्क्वायर इंटू 3/14। अब ये मत पूछेगा कि 3/14 कहाँ से आया, ये मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। 3/14 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। और स्क्वायर का साइड गिवन है, तो स्क्वायर का साइड है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3/14 से, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3/14, कैंसिल, 14 × 3 = 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा शेडेड पार्ट का। अगर इस तरह से कोई और गिवन फिगर है, मान लीजिए हम लोगों के पास जिसका साइड 28 सेंटीमीटर है, इसी का हम लोग 28 सेंटीमीटर कर देते हैं 14 हटा के, ठीक है, मान लीजिए 28 सेंटीमीटर है, तो अब इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3/14 इक्वल्स 28 × 28 × 3/14, 14 × 2 = कट गया, 2 × 3 = 6, 6 × 28, 6 × 2 = 120, प्लस 6 × 8 = 48, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसका साइड, इस स्क्वायर का साइड 28 सेंटीमीटर रहता तो इस शेडेड पार्ट का एरिया हो जाता 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी फिगर में शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बस ये फार्मूला है, साइड स्क्वायर इंटू 3/14, और इसका यूज़ करके आप इस तरह के किसी भी फिगर में शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो कि आपके एंट्रेंस और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।